झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करोड़पति हैं। 2019 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनका नेटवर्थ 8,51,74,195 रुपए है। इसमें हेमंत सोरेन के नाम पर चल संपत्ति करीब 1 करोड़ और अचल संपत्ति 1,16,00,000 से ज्यादा है। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के पास करीब 1 करोड़ की चल संपत्ति और करीब 5 करोड़ की अचल संपत्ति है, लेकिन मामला फंस गया है एक जमीन, एक BMW कार को लेकर। सोरेन पर जिस जमीन के घोटाले के आरोप लग रहे हैं, ईडी के पास उस जमीन की पूरी डिटेल है। हमारी टीम उस जमीन तक पहुंच भी गई है। क्या कहती है वहां से आई ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। झारखंड की ये वही जमीन है जिसके चक्कर में हेमंत सोरेन जेल जा सकते हैं। ये वही पैसा है जिससे सोरेन के सियासी करियर पर सवालिया निशान लगा है। जर और जमीन के जंजाल में हेमंत सोरेन कैसे फंस गए, पूरी डिटेल जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले हेमंत सोरेन के इस जमीन की डिटेल समझ लीजिए। यह जमीन रांची बड़गाई अंचल के बरियातू इलाके में है। इसका साइज 8.46 एकड़ का है। इसमें 12 प्लॉट है। जमीन को पत्थर की बाउंड्री बनाकर घेरा गया है। इस जमीन पर कंस्ट्रक्शन तो नहीं हुआ है, लेकिन एक गार्ड रूम और एक आउटहाउस जमीन पर बनाया गया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को लेकर जिस तरह से ईडी ने समन किए हैं, उसमें भूमि घोटाले की चर्चा सबसे ज्यादा है। जिस जमीन को लेकर लगातार समन किए जा रहे हैं, उनमें से एक जमीन ये भी आपको इस वक्त इंडिया टीवी पर आपको दिखाते हैं कि ये जो जमीन है, ये पूरी जो जमीन आपको दिखेगी तकरीबन 8.46 एकड़ जमीन इसको बताया जाता है। और ये जो रांची का बरियातू इलाका है, डीएवी जो स्कूल है उसके पीछे का, यहाँ पर ये जमीन है। देखिये लोकेशन कितनी बढ़िया है, पहाड़ है यहाँ और सबसे अच्छी एक लोकेशन रांची की, उनमें से एक जमीन ये है। ये जमीन किसकी है, जमीन को लेकर क्या घोटाला हुआ, घोटाले की पूरी कहानी क्या है, हेमंत सोरेन से जमीन का क्या कनेक्शन है, झारखंड के लैंड स्कैम में सीएम सोरेन की एंट्री की कहानी बहुत दिलचस्प है। इसकी शुरुआत साल 2022 में हुई थी। 6 मई को झारखंड में करोड़ों के मनरेगा घोटाले को लेकर ईडी की एंट्री हुई। ईडी ने मनरेगा घोटाले के मामले में पूजा सिंगल और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की। पूजा सिंगल के सीए सुमन कुमार के घर से 19 करोड़ कैश बरामद हुआ। 7 मई 2022 को सीए सुमन कुमार को गिरफ्तार किया गया। 11 मई 2022 को पूजा सिंगल को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान पूजा सिंगल ने ईडी को कई अहम जानकारियां दी। इसके बाद झारखंड में करप्शन की फाइलें खुलने लगी। जांच में ईडी को पूजा सिंगल से ऐसे इनपुट मिले जिसने झारखंड में चल रहे करप्शन की पूरी कलाई खोल दी। जांच की आंच आईएएस ऑफिसर से लेकर मुख्यमंत्री तक पहुंची। करप्शन की ऐसी चेन मिली कि ईडी के ऑफिसर्स भी हैरान रह गए, क्योंकि घोटाला एक डिपार्टमेंट में नहीं बल्कि हर विभाग में हो रहा था। मतलब ये कि 2022 में ईडी ने जांच मनरेगा घोटाले को लेकर शुरू की। जांच आगे बढ़ी तो टेंडर स्कैम का खुलासा हुआ। जांच और आगे बढ़ी तो अवैध खनन का मामला सामने आया। घोटाले का खेल खुलता गया और ईडी एक एक कर आगे बढ़ती रही। अवैध खनन के बाद लैंड स्कैम, फिर शराब घोटाला और उसके बाद घोटालों के पैसों के लॉन्ड्रिंग का खेल, मतलब की मनी लॉन्ड्रिंग। व्यापक तौर पर भूमि का घोटाला इस तरह से हुआ कि कुछ एक लैंड जो है रांची के महत्वपूर्ण, उसकी खरीद बिक्री हुई और उसकी खरीद बिक्री के पीछे में जाहिर है काफी धन का उपयोग भी हुआ और ऐसे लोग जिन्होंने जमीनों की खरीद की वो कहां से लाए। तो इस प्रकार से भूमि घोटाला भी उसी ट्रांजैक्शन का पार्ट बन गया है।
आप सोच भी नहीं सकते कि झारखंड में कितना घोटाला हो रहा है। आप बस इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि ईडी ने जब 29 जनवरी को सीएम सोरेन के घर पर रेड की तो एक बीएमडब्ल्यू कार और 36 लाख रुपए कैश जब्त किए। ईडी कह रही है कि कार और कैश सारा कुछ घोटालों का है। ईडी ने जब झारखंड में अवैध खनन की जांच शुरू की तो उसमें 19 जुलाई 2022 को प्रेम प्रकाश और 4 अगस्त को सीएम सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया। पंकज मिश्रा के घर से छापेमारी में ईडी को कई अहम दस्तावेज और सीएम सोरेन के अवैध खनन के घोटालों में शामिल होने के सबूत मिले। इसी के बाद हेमंत सोरेन पर कमीशन के बदले खदानों के पट्टे देने का आरोप लगा। अगस्त 2022 में ही पहली बार सीएम सोरेन को ईडी ने समन भेजा था, जिसके बाद रांची के जोनल ऑफिस में हेमंत सोरेन से इस टेंडर पर कमीशन को लेकर पूछताछ हुई थी। जैसे ही ईडी की जांच का दायरा बढ़ा, झारखंड में करप्शन का खेल खुलता गया। टेंडर और कमीशन के बाद फाइलें जमीन घोटाले की खुली। जमीन घोटाले को लेकर जब ईडी ने बडगाई अंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के घर में छापेमारी की तो उनके घर से बड़ी संख्या में सरकारी जमीनों के दस्तावेज बरामद हुए। भानु प्रताप के घर से जमीनों से जुड़े कई ऐसे दस्तावेज भी थे जो कि आपत्तिजनक थे। रांची के जिस बडगाई स्थित जमीन को लेकर ईडी जांच कर रही है, उसके कागजात भी भानु प्रताप के घर से ही बरामद हुए थे।